the very new talk of the B town, Sunny Leone ne ek lifestyle magazine ke cover ke liye apna extremely hot andaaz logon ko dikhaya. Sunny ne is cover shoot ke liye pehni hai ek Indian sari, but without the blouse. Sunny ki upcoming film Jism ki pehle poster ne waise hi kafi eyebrows kar diye hain raise. Lekin unki is hot pic ne create kar diye hain waves. मानना पड़ेगा कि पोर्न स्टार सनी लियोनी अच्छी तरह से जानती हैं कि कैसे लोगों में क्रिएट करनी है सेंसेशन एंड शी लुक्स हॉट इज नीडलेस टू मेंशन। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेगा का मंत्र अगर कोई फॉलो कर रहा है तो शायद वो हैं वीना मलिक। कैमरे के सामने सेंसुअल एक्सप्रेशन देने के बाद वीना मलिक ने एक मैगजीन कवर के लिए दिया न्यूड पोज। वीना के उम्फ का था ये जबरदस्त डोज। इंडिया में हेडलाइंस तो बनाई ही, लेकिन वीना के इस एक्सट्रीमली बोल्ड एक्ट ने पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया। मगर बिंदास वीना ने भी किसी भी क्रिटिसिज्म पर ध्यान नहीं दिया। द गर्ल नेक्स्ट डोर प्ले करने वाली काजल अग्रवाल टू शेड हर होमली इमेज, या यूं कहें शेड हर क्लोथ्स। काजल भी टॉपलेस होकर एक मैगजीन के कवर पर फीचर हुई, बट लेटर शी क्लेम्ड दैट हर पिक्चर्स वर मॉर्फ्ड एंड शी हैडन्ट पोज्ड न्यूड। सल्ट्री बिपाशा बासु के बोल्ड अंदाज ने तो हमेशा ही सबको सरप्राइज किया है। कवर पेज के लिए टॉपलेस पोज करके बिप्स ने अपने फैंस को अपना और भी सेंसुअल साइड दिखा दिया। एंड यस, She looked confident and sexy as ever. वैसे मलिका शरावत अगर skimpy clothes पहने तो शायद ही किसी का ध्यान उन पर जाएगा। After all, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तभी शायद मौका मिलने पर मलिका went a step ahead और हो गई topless for a magazine cover. अब ये कहना मुश्किल है कि क्या topless होकर वो लोगों पर कर पाई हैं कोई असर? तो voluptuous विद्या बालन ने भी मैगजीन कवर के लिए टॉपलेस पोज किया है। बिना ब्लाउज की साड़ी पहनकर विद्या ने अपनी सेडक्टिव बैक एक्सपोज की। विद्या ने ट्रेडिशनल लुक को एक कम्प्लीटली बोल्ड एंड सेंसुअल अवतार में काफी एफर्टलेसली कैरी किया और उनकी ब्यूटी और सेंसुअलिटी ने कवर पेज को काफी हॉट बना दिया। मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी अपनी वेल टोन्ड बॉडी को एक मैगजीन के कवर पर फ्लॉन्ट किया था। उन्होंने भी इस कवर के लिए न्यूड पोज किया था। वैसे आजकल इन हॉटीज के लिए टॉपलेस होना शायद कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन काफी टाइम पहले जब ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस पोज किया था तो इस बात ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। एक्ट्रेस पूजा भट्टू वेंट न्यूड फॉर अ मैगजीन कवर, जिसका उनकी इमेज पर पड़ा था नेगेटिव असर। पर आजकल तो एक्ट्रेसेस इजीली हो जाती हैं टॉपलेस। For them, shedding clothes for magazine cover is almost effortless. Well, हमारी Bollywood actresses आजकल बहुत topless, effortlessly होती जा रही हैं. Yes, and I think when we're talking about magazine covers and the amount of girls who are posing topless, maybe half naked, yes, it's a trend that's here and it's here to stay. बट मुझे एक यहाँ पर बात समझ नहीं आती, वो आधा टाइम तो आधी नंगी होके फोटो के लिए पोज कर ही रही हैं, करके पब्लिसिटी को हॉक करके उसके बाद बोलती है ओ यू नो आई डिड नॉट डू इट, आई वाज एक्चुअली वेयरिंग अ ब्रा और अ बिकिनी टॉप, उन्होंने फोटोशॉपिंग से उतार दिया। माय पॉइंट इज, जब ये हो चुका है सोनाक्षी के साथ जहाँ पे उनको उनके कपड़े उतार दिए गए, वो बिकिनी में खड़ी हैं एंड इट्स ऑब्वियसली अ केस ऑफ फोटोशॉपिंग, सोनाक्षी डेफिनेटली डिडंट पोज फॉर दैट, या फिर विद्या बालन के कपड़े उतार दिए। वेदर इट्स अ वीना मलिक, उन्होंने मेरी इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने कपड़े पहने हुए थे उतर गए हैं, यू नो, बट अगर आप बॉटम देखते हैं वीना मलिक का तो आई गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ऐसे लगता है कि इट्स बिन फोटोशॉप्ड। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको पता है कि ये हो चुका है लोगों के साथ, मैगजीन्स की गलत प्रैक्टिस है, तो व्हाई यू टेकिंग द रिस्क इन पोजिंग फॉर इट।